डॉल्फिन फोर्स के सातवें बैच की ट्रेनिंग मुकम्मल, पासिंग आउट रेट ताखीर का शिकार। 890 अहलकारों की ट्रेनिंग को 14 माह गुजरने के बावजूद पासिंग आउट परेड ना हो सकी। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मुजाहिद शेख। मुजाहिद, बताइएगा अभी तक क्यों पासिंग आउट परेड ना हो सकी? हाँ जी बिल्कुल, डॉल्फिन फोर्स के जो सातवें बैच के अहलकार हैं वो इंतजार की चूली पर लटक रहे हैं और डॉल्फिन फोर्स के नए बैच के अहलकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बावजूद जो है वो अभी तक पासिंग आउट परेड का जो है वो तखीर का शिकार है। और डॉल्फिन फोर्स के 890 अहलकार हैं जिन्होंने जिनको ट्रेनिंग जो है 10 माह की बजाय अब 14 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी उसकी जो परेड है वो नहीं हो सकी। और डॉल्फिन फोर्स के सातवें बैच की ट्रेनिंग 28 अगस्त 2017 को जो है वो शुरू हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि मेहमान खसूसी जो है उसका अभी तक इंतखाब नहीं हो सका है। और डॉल्फिन फोर्स की जानिब से अब वजीर अला पंजाब जो है मौजूदा उन्हें मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाए जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और IG पंजाब जो तब्दील हो गए थे निगरान हुकूमत में, उसकी वजह से भी पासिंग आउट परेड नहीं हो सकी थी और अब नए जो IG आए हैं तो उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी है और डॉल्फिन फोर्स के जो अहलकार हैं वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उनकी पासिंग आउट हो और वो फील्ड में आ सकें। जी डॉल्फिन फोर्स के अहलकारों का इंतजार तवील होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।